हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविलियन मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब लोग बहुत दिन से सर्च कर रहे थे कि सर कंप्लीटली स्टैट प्रो किस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। तो जिस किसी को भी अगर स्टैट प्रो सीखना है, कंप्लीट कैसे सीखना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और जिसको नहीं सीखना है उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिसको स्टैट प्रो कंप्लीट सीखना है, सिलेबस को कंप्लीट सुनिएगा कि क्या क्या चीजें स्टैट प्रो में हमें सीखनी चाहिए और हम किस तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब हम कभी स्टैट प्रो को सीखने की बात आती है तो पहले हमको सोचना चाहिए कि स्टैट प्रो का यूज क्या है। तो स्टैट प्रो का यूज है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी फुल फॉर्म में इसका सारा यूज आ जाता है, मतलब ये स्ट्रक्चर की एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद उसे डिजाइन करता है। अब एनालिसिस और डिजाइन के बैकएंड में अगर देखोगे तो बहुत सी चीजें होती हैं जो हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पे हमको सेटिस्फेक्शन वाला कंटेंट नहीं मिल पाता है, किसी यूट्यूब चैनल पे जाते हैं फिर भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो मैंने एक सिलेबस बनाया है और इस सिलेबस में मैंने आपके साथ लाइव मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं। जिन किसी को जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, इस सिलेबस को पहले कंप्लीट समझ सुनिएगा, फिर समझिएगा अच्छा ये भी कंटेंट होता है, और फिर उसके बाद आप मेरे साथ कनेक्ट होइएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि अगर हम स्टैट प्रो की बात करें तो स्टैट प्रो में सबसे बेसिक चीज होती है उसकी मॉडलिंग। अगर आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर मॉडल नहीं कर सकते हो, कैसा भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर उसको आप मॉडल नहीं कर पाओगे तो आप स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो पहला पार्ट हमने इसमें ऐड किया है मॉडलिंग। मॉडलिंग के सारे टूल्स विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन टू एडवांस लेवल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इस सिलेबस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके बाद मॉडलिंग के बाद मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ एनालिसिस के टूल्स। आप बोलोगे सर एनालिसिस के टूल कहाँ होते हैं? हाँ, एनालिसिस के टूल नहीं होते, बट एनालिसिस का बैकएंड होता है। एनालिसिस का बैकएंड क्या होता है दोस्तों? एनालिसिस का बैकएंड होता है डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सेस्मिक लोड। अब इनके भी बैकएंड्स होते हैं। डेड लोड का हाईएस्ट कोड होता है 875 पार्ट 1 और लाइव लोड का तहत पार्ट 2। उसके बाद होता है सेस्मिक के लिए आईएस 1893 और उसके बाद होता है आपका विंड लोड आईएस 875 पार्ट 3। और इसके बाद होता है इसकी डक्टाइल डिटेलिंग जिसके लिए आईएस 13920। इन सारे कोर्स के डीप स्टडी हमको चाहिए थ्रो की इसके, अगर हम अच्छे से अगर हमारे पास डीप नॉलेज है तो हम मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने सारे लोड्स को। तो मैंने इस सिलेबस में मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट लोड को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब ब्रिक का लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लैब का लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हर एक मेंबर का लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, विंड का लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेस्मिक का लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर मैनुअली देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसको सॉफ्टवेयर पे देखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपका डिजाइन का पार्ट आता है। अब डिजाइन में हम कौन कौन से डिजाइन देखने वाले हैं? डिजाइन में हम लोग देखने वाले हैं आरसीसी की डिजाइन। आरसीसी में सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर दोनों, सब स्ट्रक्चर मतलब चार टाइप की फुटिंग्स, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर मतलब पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर मतलब केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर फोर टाइप्स की बिल्डिंग्स हैं। कौन कौन सी फोर टाइप्स? रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स। ये चारों टाइप्स की बिल्डिंग्स को प्रॉपर उनके डायमेंशन के साथ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और उसको हम डिजाइन करने वाले, प्रैक्टिकली कैसे डिजाइन होगा वो भी देखने वाले हैं, फाउंडेशन प्लस सुपर स्ट्रक्चर इसको प्रॉपर हम समझेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग सीयर वॉल लगाने वाले हैं, तो सीयर वॉल की भी डिजाइन इसके अंदर ऐड है। और सीयर वॉल लगाने के बाद अब जो हमारा जो टॉपिक होता है वो है स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में हम लोगों ने केवल और केवल एक छोटा सा एलिमेंट नहीं लिया है, स्टील स्ट्रक्चर में प्रॉपर एक वेयर हाउस डिजाइन किया है, मतलब करने वाले हैं, और उसके साथ एक घर डिजाइन करने वाले हैं, मीन्स स्टील का अगर कोई बिल्डिंग है उसको कैसे डिजाइन करेंगे वो देखने वाले हैं, और उसके साथ टावर की डिजाइन करने वाले हैं कि टावर की डिजाइनिंग किस तरीके से करेंगे, और इन सब का फाउंडेशन कैसे डिजाइन करते हैं वो भी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये हमने कंप्लीट सिलेबस ऑफ द स्टैट प्रो बनाया हुआ है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है कंप्लीट एडवांस लेवल स्टैट प्रो सीखने के लिए, आप एक बार हमारे व्हाट्सएप पे विजिट करिएगा, मींस आप व्हाट्सएप पे हमें मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको सिलेबस भेजूंगा। और ये जो ये कंटेंट मैंने आपको बताया, ये कंटेंट को अगर कंप्लीट हम लोग पढ़ाते हैं तो इसकी फीस होती है 15,000 मिनिमम। बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने सोचा कि कई लोग अभी घर पे हैं और अभी किसी को सैलरी की भी प्रॉब्लम है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, ये सब सोच के मैंने इसको सीधे 50% ऑफ कर दिया है और सिर्फ 7,500 में आपको कंप्लीट स्टैट प्रो का कंटेंट मिल जाएगा जिसमें आप एडवांस लेवल का स्टैट प्रो सीखोगे। ये 1 मंथ का कोर्स है और ये 1 मंथ जरूरी नहीं कि 1 मंथ ही हो, क्योंकि बढ़ सकता है सिलेबस अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस।
और 1.5 आवर्स मतलब 1.5 घंटे की क्लास होगी आपकी, 1.5 घंटे कंटिन्यू आप पढ़ने वाले उसको, और 1.5 घंटे पढ़ने के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, मीन्स प्रॉपर हम लोग जिसे क्या SFT BMT निकालते हैं, तो जो हम लोग का थ्योरेटिकल वैल्यू आता है उसके साथ सॉफ्टवेयर का वैल्यू क्या आता है, इन सबकी एक्सरसाइज बुक्स मिलेंगी आपको PDFs में, उनको देख के हम प्रॉपर अपने आप को एक्सपर्ट कर सकते हैं स्टैट प्रो के अंदर। अगर आपको कंप्लीट स्टैट प्रो सीखना है तो ये ऑफर मैंने ज्यादा दिन के लिए नहीं रखा है, ये ऑफर केवल और केवल 2 दिन के लिए रखा है। उसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन ये है कि हम एक बैच बनाएंगे जिस बैच में एक लिमिटेड स्टूडेंट्स रखेंगे, और जो सच में इंटरेस्टेड है वही सीखेगा। अभी तक जो लोग आते थे कि नहीं तो मैं तो ये यहाँ से सीख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको सच में स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, क्यों, क्योंकि मैं केवल सॉफ्टवेयर का टूल नहीं पढ़ाता, सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट मतलब स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे पढ़ते हो, सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फटाफट यहाँ पे नीचे कमेंट करना जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9792621121। जितने लोग भी इंटरेस्टेड हो फटाफट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस भेजता हूँ, और मुझे आज और कल में फटाफट रिप्लाई दियो जो भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि कल इवनिंग से ये बैच हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक हमारी बैचेज जो चल रही थी उसमें कंप्लीट फीस ली जा रही थी, बट इसमें आपको 50% ड्यू टू हॉलीडेज मैंने करके दिया है। तो आपके पास मौका है, अगर आपको कंप्लीट सीखना है तो फटाफट कॉन्टेक्ट करो, नीचे कमेंट करो कि मेरा काम आपको कैसा लगा, क्योंकि अगर हम कंप्लीट प्रैक्टिकली लेवल सीखेंगे तो मेरा बस यही मोटो था कि एक क्या होता है कि अगर मैं कभी कभी YouTube पे भी वीडियोस डालता हूँ, बट उनकी सीक्वेंस जो होती है ना, सीक्वेंस के साथ, जैसे मैं कभी वीडियो बनाया उसके बाद दूसरा टॉपिक किसी ने बोल दिया कि सर ये बता दो ये बता दो, प्रॉपर एडवांस लेवल पे जा नहीं पाते, उसके कई रीजंस रहते हैं, व्यूज नहीं आए तो हम लोग का प्रॉपर सोचे कि यार अब कैसे करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप अगर 1 मंथ मुझे दे दोगे, 30 डेज मुझे दे दोगे, 1.5 आवर्स अ डे, तो मैं आपको कंप्लीट स्टैट प्रो एडवांस लेवल पे सिखा दूंगा। पैसे का मत सोचना कि मुझे सर इतना फी कैसे एंड ऑल, आप बस ये सोच लो कि मुझे सीखना है, मुझे कॉन्टेक्ट करो और आप प्रॉपर सीखोगे, इसका मैं गारंटी लेता हूं। और उसके बाद मैं आपके रिव्यूज भी लूंगा और उसको भी यूट्यूब पे डालूंगा, 110% आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और साथ ही साथ एक पोर्टफोलियो तैयार करके मैं आप सबका पोर्टफोलियो अपलोड करूंगा, जिससे कि लोगों को दिखना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या स्टैट प्रो होता है, एक लेबल मिलना चाहिए स्टैट प्रो का, जिससे कि सामने वाले को समझ आ जाए यार हमने जो सीखा है वो कुछ नहीं है, रियल कंटेंट तो ये है। आप लोग सिलेबस देखो, सिलेबस देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि यार मैंने जो सीखा है वो तो बहुत बेसिक लेवल का स्टैट प्रो सीखा है, इसमें इतनी चीजें हैं जो हमें आती ही नहीं। और इस कोर्स के बाद आपको कंप्लीट सीखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आप कहीं जाते थे, वहां से आधे घंटे जाना आधे घंटे आना, आप 1 घंटे का जो लॉस करते थे वो 1 घंटे का लॉस अब अगर प्रैक्टिस पे दे दिए तो आपका ये बचत है, एक तरीके का बहुत बड़ा बचत है। और इस बचत में आप क्या कर सकते हैं, बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका पोर्टफोलियो बना के किसी कंपनी में गए, उस कंपनी में अगर आपने बोला कि आपने 4 टाइप की बिल्डिंग्स उसके साथ कम से कम 15 से 20 SFT BMD करके रखे हुए हैं और सारे डिजाइंस कर रखे हुए हैं, 110% वो यही बोलने वाला है यू आर सेलेक्ट। इसकी मेरी पूरी कोशिश करूंगा, बस आप साथ देना। और एक चीज और लास्ट में, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तभी इस कोर्स को ज्वाइन करना, और अगर आप चाहते हो कि चलो ज्वाइन कर लिया और सर पूरा घोल के पिला देंगे, बिल्कुल भी नहीं, आप मत आओ। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तभी आना और तभी इसको इंटरेस्टेड होकर ज्वाइन करना, क्योंकि मैं बहुत डेडिकेटेड इंसान हूं अपने लाइफ में, तो मैं चाहता हूं वैसे ही बंदे जो सच में सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते तो नमस्ते, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जो सीखना चाहते हो फटाफट कमेंट करो और ज्वाइन करो। कल से ये बैच स्टार्ट होने वाली है और आप सबको बहुत मजा आने वाला है, मिलके बहुत ढेर सारी बातें भी करेंगे कि उसमें क्या क्या और हम सिविल में कर सकते हैं, स्टैट प्रो के थ्रू हम कौन कौन से डोमेन में जा सकते हैं, कई डोमेन्स में जा सकते हो, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट कमेंट करिए, मैं मिलता हूँ आपसे और जल्दी ही व्हाट्सएप पे मिलेंगे, और हम लोग सिलेबस डिस्कस करने के बाद कल से बैच स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।